व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आता सबस्क्राइब करा। तर या संदर्भातच आपल्या सोबत आमचे नाशिकचे प्रतिनिधी अभिजित सोनावणे लाईव्ह जोडले गेलेले आहेत। नाशिकमधल्या पुजाऱ्यांना या विधाना संदर्भात नेमकं काय वाटतं, त्यांचं म्हणणं काय हे आपण जाणून घेऊयात आमच्या प्रतिनिधींकडून। अभिजित, नक्की सेजल, मी आत्ता नाशिकच्या प्रसिद्ध अशा रामकुंडावर आहे आणि योगायोग म्हणजे मागे नाशिकमधलं जे प्रसिद्ध कपालेश्वराचं मंदिर आहे त्या कपालेश्वराचं आत्ता काही मिनिटांपूर्वी या ठिकाणी गोदावरी स्नान झालेलं आहे आणि आता या ठिकाणी जी पुजारी मंडळी आहे ती त्या ठिकाणी कपालेश्वराची पूजा करताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि मोठ्या प्रमाणात भाविक देखील या सगळ्या उत्सवामध्ये सहभागी झालेले आहेत। विशेष म्हणजे नाशिकला मंदिरांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं, कुंभनगरी अशी नाशिकची ओळख आहे, त्यामुळे नाशिकमध्ये वेगवेगळे आखाडे असतील, वेगवेगळे मंदिरं असतील यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहेत, तपस्वी असतील, पुजारी असतील यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे। आपल्या सोबत महंत भक्तिचरणदास महाराज आहेत की जे नाशिकमधल्या प्रसिद्ध अशा हनुमान आणि राम मंदिराचे पुजारी आहेत। महंत जी क्या कहेंगे, राहुल गांधी जी का कहना है कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे देश 135 करोड़ देश नागरिकों की है, एक देश मुनि ऋषि तपस्वी संत महापुरुषों की देश है और ये देश में हर एक संप्रदाय हर एक पंथ के लोगों की सम्मान किया जाता है। आज माननीय राहुल गांधी जी जो ये बोले जो पुजारियों के अधिकार नहीं है, उनको हम मानते नहीं है, उनके देश नहीं है, ये सरासर गलत है। क्योंकि भारत में जहाँ भी मठ मंदिर संप्रदाय की है वहाँ कहीं ना कहीं पुजारी करते हैं, वहाँ की ट्रस्टियों ने पूजा करते नहीं, चाहे सिद्धिविनायक हो, चाहे वैष्णव देवी हो, चाहे बालाजी हो, कहीं ना कहीं पुजारी ही पूजा करते हैं। यानी भगवान के निकटवर्ती कोई हो तो पुजारी है, जब उनकी एक पुजारी का अपने अपमान करना, अपशब्द बोलना, ये सरासर गलत है। मतलब पुजारी की अवमानना करना मतलब भगवान की अवमानना करना जैसे। महाराज जी क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने जैसे कहा है कि ये देश तपस्वियों का नहीं है, तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं, आपको क्या लगता है? मेरे समझ से तो ये है, जो राहुल गांधी जी जो बोले हैं, ये भारत भूमि जो है पवित्रता का स्थल है और चार मुक्तियां बताई गई है, साजुज, सालोप, सारूप, सानिप। चार मुक्ति में पुजारी को पहला मुक्ति है, जो सामीप में भगवान को रात दिन स्नान कराना, पूजा करना, फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, हाँ वे काम के लिए पुजारी के सिवाय भगवान को भोग नहीं लग सकता है। तपस्वी से भी पुजारी का महत्व अधिक होता है। महाराज जी दो शब्दों में आपका क्या कहना? भक्त और भगवान ये ऐसा रिश्ता है जैसे माँ और बेटे का होता है। माँ की पहचान बेटे से, बेटे की पहचान माँ से, भक्त की पहचान भगवान से, भगवान की पहचान भक्त से। जब भक्ति नहीं रहेगा, पुजारी नहीं रहेगा तो क्या तपस्या का क्या मतलब रहा, तपस्वी क्या मतलब? या सगळ्या प्रतिक्रिया आहेत नाशिक मधल्या साधू महंतांच्या आणि पुजाऱ्यांच्या। अर्थातच नाशिक मधले हे सर्व साधू महंत असेल ते सुद्धा रोषच व्यक्त करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे। खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही आमच्या सोबत जोडले गेलात आणि ही सर्व माहिती पोहोचवली त्याबद्दल।